हाँ जी नमस्कार गुड मॉर्निंग ठीक हो सारे हाँ जी गुड मॉर्निंग सत श्रीकाल ठीक हो सारे हाँ जी फटाफट से हाजी जल्दी जल्दी फटाफट से और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो साठ क्वेश्चन करेंगे साठ मिनट में और देखते हैं कौन विनर बनता है आप में से रेडी हो तो आवाज वगैरह ओके आ गया हां गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो आवाज ओके है क्या? ये अपने के जो तो क्वेश्चन अपने बच्चे हुए हैं वो अपने स्टार्ट करेंगे आज क्योंकि उसके बाद अपने ये नवंबर मंथ के हैं कौन से मंथ के हैं नवंबर के हैं। चले शुरू करें फिर बेग कैसे तो चल रहा है ये तो पीछे बहुत बेग चल रहा है चलो शुरू करते हैं देखो तो पहले पहले क्वेश्चन कहते हैं विच कंपनी रिसेंटली इन नवंबर 2022 साइन एन एमओयू विद द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बिल्ड इंडिया हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल एंड इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड वेसल लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए क्या आंसर आएगा आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है जितना जल्दी हो उसके फटाफट से आंसर दीजिए नंबर चलाया जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट से सी आंसर आ रहा है सी सी आंसर आर मिनी मैक्सिमम सी का यार राइट आंसर हमारा क्या होगा सी हो क्या होगा सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कोचिंग सीपीआर लिमिटेड क्या है कोचिंग सीपीआर लिमिटेड में इनको कमीशन किया गया और अगर बात करें गार्डन रीच सी बिल्डर्स इसका हेडक्वार्टर कहां पे है जल्दी से बताओ जीआरएससी आर एस सी कहां का पे है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है कोलकाता में है कहां कहाँ पेडक्वार्टर है कोलकाता कहां पे है कोलकाता चले आगे नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये वन निमोनिया डे इज एवरी ईयर ऑन 20th ऑफ नवंबर टू राइज अवेयरनेस अबाउट निमोनिया डिजीज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड निमोनिया डे 2022 कहता है वर्ल्ड निमोनिया डे 2022 की थीम क्या है ये सारे नवंबर के है? कौन से मंथ के है नवंबर मंथ के है? जल्दी आंसर दीजिए फटाफट से बताओ आवाज आ रही है हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बताओ प्रॉपर आवाज आ रही है अभी जसप्रीत कह सर आज मेरे सीरियल का यहां ओके ऑल द बेस्ट वेरी गुड बहुत बढ़िया बढ़िया होगा पेपर टेंशन नहीं लेनी देखो मैं बता दूंगा लास्ट में आपको कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग ठीक है निमोनिया हमारा राइट राइट आंसर आंसर है है दो नंबर क्या होगा हमारा बिल्कुल जिसका भी दो नंबर आया है एक बार क्लैपिंग कर लीजिए अपने लिए हां जी और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन कहता है नोटेड राइटर वो हैज बीन अवारेड दर्टी फर्स्ट बिहारी पुरस्कार फॉर हर 2008 नोवेल हम यहां थे लिख लो पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन आने वाले कोई ना कोई पेपर में सात नु कल किसी का सीजीएल एग्जाम है क्या बता देंगे आपको सारे है? ये क्वेश्चन लिख लो पेपर में छपेगा क्योंकि अपने पहले बात की थी ना पंजाब में अभी हाल ही में एक जो फ्यूल वाला खुला है संगरूर में वो क्वेश्चन भी सीजीएल में आ गया है और डी वाई चंद्रचूड़ जो पचास में बने वो भी पेपर में आ गया है भारत ने थॉमस कप किस देश को हराकर जीता वो भी पेपर में आ गया है तो ये सारे के सारे ऑलरेडी आ चुके हैं अब नंबर है इसका और नोटेड राइटर हैज बीन अवार्डेड द थर्टी बिहारी पुरस्कार फॉर हर 2008 नोवेल हम यहां थे किसको दिया गया जल्दी करो आंसर एक नंबर आ रहा है एक नंबर ए आर रहा सर ए माधव एंड मधु वेरी गुड बहुत बढ़िया माधव नेशनल पार्क है बिल्कुल राइट आंसर क्या हमारा मधु कांकनिया को दिया किसको दिया गया मधु कांकनिया को बिहारी पुरस्कार दिया गया और बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है यह के के बिडला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है के बिडला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार है दिया जाता है दो क्वेश्चन हो गए अब मैं दस क्वेश्चन होते पूछूंगा कि दस में से दस किसके सही है ठीक है हाँ आगे देखो नेक्स्ट है गोल्ड मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन द 75 फाइव के जी वैटेगरी ऑफ में दो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता ऑप्शन आपके सामने लवलीना बोहरगेहन रुजमेटो तो सोखीबोवा निखित जरीन या पूजा रानी जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए गुड मॉर्निंग और ये लवलीना बोहरगेहन है क्वेश्चन सीजीएल के पेपर में आ चुका है तीन दिसंबर को पूछा था कि लवलिना बोर्गन का संबंध किस खेल से है तो इनका खेल कौन सा है दो जने मिले सर मधु एंड माधव बिल्कुल वेरी गुड बहुत बढ़िया जल्दी आंसर दो तो जल्दी फटाफट यस हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसका मतलब हमारे विनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनको प्राइज आज पहुंच जाएगा इनके घर पे हाँ।, हाँ हाँ जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट से एक नंबर आ रहा है एक नंबर बी भी आ रहा है सी भी जा रहा है ए आएगा सर बिल्कुल राइट आंसर मार लवलीना बोहरगेन आएगा। क्या लवलीना बोहरगेन कहां की रहने वाली है असम की रहने वाली है कहां की रहने वाली है असम की और भारत के लिए 69 केजी में इन्होंने मेडल जीता था कहां पे ओलंपिक में कहां पे जीता था ओलंपिक में मेडल कौन सा था जल्दी बताओ हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जल्दी जल्दी बताओ कि लवलीना बोहरके ने भारत के लिए 69 नाइन के जी बॉक्सिंग में कौन सा मेडल जीता था और इनको साथ में ही इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में एक सदस्य के रूप में चुन लिया गया है ब्रॉन्ज मेडल जीता कौन सा मेडल जीता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता कौन सा मेडल जीता ब्रॉन्ज मेडल मेडल क्योंकि बाकी जो सिल्वर मिले दो मिले थे एक को, एक विजय को किसको मिला था एक रवि दैया को मिला था और एक किसको मिला था मीराबाई चानू किसको मिला मीराबाई चानू को युवराज सिंह जी गुड मॉर्निंग अब देखो बात करते हैं निखित जनीन की तो ये कॉमनवेल्थ गेम के अंदर क्लो, क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर फ्लैग बियर थी है क्या थी है? क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियर थी हाँ जी राम राम जी बिल्कुल जल्दी से आंसर दो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कहता वो बैग ए गोल्ड इन द एटी वन प्लस वेट कैटेगरी एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन अमान जॉर्डन ये जॉर्डन अम्बान में हुई थी इसमें इक्यासी किलोग्राम बारह वर्ग में किसने भारत के लिए गोल्ड सा मेडल जीता है गोल्ड जीता है जल्दी आंसर दो क्या आएगा हाँ बिल्कुल सुवानी लिखा है सर कॉमनवेल्थ गेम एंडिंग फ्लैग फ्लेग बी जरीन और उनके साथ ही सुनील ने लिखा सर्त, कमल वेरी गुड बहुत बढ़िया दोनों को मिला जल्दी से आंसर दो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जसविंदर सर डी होगा राज किरण का डी प्रदीप का डी परनवीर का डी यश का सी डी गुरप्रीत का डी आया कुलवंत आंसर डी तो भाई साहब ये तो मेरे को लग रहा है सारे गलत कौन जा रहे हैं वहां पे कविता के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए एकमात्र कैंडिडेट है जिसका आंसर सही है कविता का राजेगा हमारा अल्फिया खान आएगा क्या आएगा अल्फिया खान ने ये भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है गोल्ड मेडल जीता है कौन सा मेडल जीता है गोल्ड मेडल चलो एक कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ एक रेसलिंग के प्लेयर है भारत में बजरंग पूनिया ये कितने कैटेगरी से रिलेटेड है और इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है जल्दी से जल्दी बताइए फटाफट से और जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो क्योंकि आज बहुत दिन बाद अपने आए तो बच्चे कम आए थोड़े जसवीर ने लिखा सर 65 फाइव के जी हरमन का आंसर है 65 फाइव के जी वेरी गुड बहुत बढ़िया 65 फाइव के जी में और भारत के लिए मेडल कौन सा जीता ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज बीइंग हेल्ड इन नवंबर 2022 कहता है नवंबर 2022 में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहां पे हुआ ग्वालियर जयपुर नई दिल्ली मोहाली करो करो जल्दी करो आंसर हाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता वेरी गुड बहुत बढ़िया कौन सा मेडल जीता ब्रॉन्ज मेडल इसका आंसर तो क्या आएगा नई दिल्ली यस ने कहा नई दिल्ली में और देखते हैं किसका आंसर आता है गुरप्रीत का आंसर सी नंबर है जसप्रीत का, का, का सी कविता का दिल्ली हरमन का सी बिंदु रानी का आंसर सी कुलवंत सिंह का आंसर सी वेरी गुड बहुत बढ़िया ये तो आपका सभी का क्या हो गया भाई बिल्कुल है सही हो गया क्या आएगा नई दिल्ली है क्या आएगा नई दिल्ली आएगा नई दिल्ली हमारा क्या बिल्कुल है राइट आंसर नई दिल्ली देखो अब कुछ क्वेश्चन अब देखे इसकी बात हो रही है मेले की बात हो रही है तो एक आपके सामने बहुत फेमस मेला लगता है सूरज कुंड हरियाणा के अंदर लगता है फरीदाबाद में सूरज कुंड फेयर कहां पे हरियाणा में लगता है आप ये बताओ भारत का सबसे बड़ा एनिमल फेयर कहां पे लगता है जल्दी बता दीजिए फटाफट से भारत का सबसे बड़ा एनिमल फेयर कहां पे लगता है हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड बहुत बढ़िया भारत का सबसे बड़ा एनिमल फेयर कहां पे लगता है हिंट मैं देता हूं आपको बिहार में लगता है आपको बताना बिहार में प्रॉपर जगह कौन सी है हाँ सरस फेस्टिवल भी बिल्कुल यही तो दिल्ली में हुआ दो हजार बाईस में वेरी गुड बहुत बढ़िया बिहार में आपको बताना प्रॉपर जगह है। वेरी गुड बहुत बढ़िया लखू ने कहा सर सोनपुर में लगता है वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई सोनपुर बिहार में बहुत ही बढ़िया एनिमल की बात चली तो एनिमल डे भी लिख लेना तीन अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड एनिमल डे अगला कहता है वो हैज द वुमेन्स टेन मीटर एयर राइफल गोल्ड मेडल एर था एशियन एयर गन चैंपियनशिप इन दू साउ कोरिया ऑन ट्वेल्थ ऑफ नवंबर दो हजार बारह तो दो हजार बाईस दो हजार बाईस को टेन मीटर एयर राइफल में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता ऑप्शन आपके सामने अंजलि भागवत विलियम, सेरेना स्मिथ या मेहुली घोष जल्दी से आंसर करो क्या आएगा फटाफट पड़ से आंसर दो जल्दी क्या आंसर आएगा मेहुली घोष जसप्रीत ने लिखा सर डी आंसर आए गुरप्रीत का आंसर डी अमनप्रीत कौर का डी सुखविंदर का डी क्यों जी परवीर जी क्या बात होगी रिकॉर्डेड क्लास से क्यों लगाओगे लगा, लगानी है लाइव क्लास से रिकॉर्डेड नहीं लगानी है ना हाँ गोस आंसर वेरी गुड बहुत बढ़िया राइट आंसर क्या आएगा हमारा मेहुली गोस है क्या आएगा मेहुली गोस हमारा बिल्कुल है राइट आंसर होगा क्या आएगा मेहुली गोस राइट आंसर होगा चलो एक नाम और पूछता तो हूं आपसे राइफल से संबंधित नाम है ना अवनी लेख रहा ओलंपिक में भारत के लिए दो मेडल जीते कितने मेडल जीते दो मेडल आप फटाफट से मुझे बता दीजिए इन्होंने जो दो मेडल जीते वो कौन कौन से थे हाँ हाँ जी प्रमोद चौधरी कहते हैं सर आप सर का बिल्कुल बिल्कुल दीपक सर के पास है बिल्कुल दो मेडल जीते थे पैरा ओलंपिक में किसमें जीते थे पैरा ओलंपिक में और बात करें शूटिंग की तो शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता था बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने ये सारे के सारे क्वेश्चन है ना अभी वर्तमान में सीजल में रिवाइज हो रहे हैं अभिनव बिंद्रा और ये वाले क्वेश्चन पैरा ओलंपिक शूटिंग में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता वेरी गुड बहुत बढ़िया कौन सा मेडल जीता गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये राजस्थान से रहने वाली है और इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेस्टर बनाया गया है गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल और कहां से है ये जयपुर से तो राइट आंसर इसका हमारा क्या हो जाएगा महुल गोश हाँ बिल्कुल हाल ही में इसको पेरा एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया हाल ही में नहीं सुखदीप जी कल ही चुना गया है है ना कल ही इनको पेरा एथलीट ऑफ द ईयर है चुना गया अवनी लेखरा को हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जल्दी आया करो लेट बहुत हो जाता है यार कैसे काम चलेगा कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस दो हजार चौबीस अंडर नाइनटीन मेन्स टी वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय कहता है जो अंडर जो 2024 का अंडर 19 वुमेन्स सॉरी मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप है वो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा पाकिस्तान जिम्बाब्वे श्रीलंका वेस्ट इंडीज बिल्कुल आई, आई का हेडक्वार्टर सर म्यूनिक में है बहुत ही बढ़िया जल्दी बताओ ये कहां पर आयोजित होगा हाँ जल्दी से आंसर दो तो वेरी गुड बहुत बढ़िया यस ने कहा सर श्रीलंका में आयोजित होगा गुरप्रीत ने कहा सर ए हाँ वैरगुड बहुत बढ़िया जी जी राम राम जी, राम राम जल्दी आंसर दो तो वैर गुड बहुत बढ़िया श्रीलंका में होगा सर श्रीलंका श्रीलंका आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या होगा सर श्रीलंका होगा क्या होगा श्रीलंका हमारा बिल्कुल राइट आंसर देखो श्रीलंका की बात करें इसके कैपिटल कौन सी है श्री जयवर कोटे और करेंसी कौन सी है रूपी श्रीलंका के पीएम और प्रेजिडेंट लिखो जल्दी श्रीलंका के पीएम और प्रेजिडेंट पीएम हमारे पास कौन है दिनेश गुणावर्धना और प्रेसिडेंट हमारे पास है इनके रानील विक्रम सिंह देखो जो SSC के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं मैं उनको बता दूं कि आपके एक क्वेश्चन डांस का एक फेस्टिवल का एक क्वेश्चन डेज का है ना दो क्वेश्चन स्कीम के आ रहे हैं दो दो एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट के आ रहे हैं ऐसे करके तेरह क्वेश्चन आ रहे हैं करंट और जीके के पच्चीस में से ठीक है हा और दो क्वेश्चन आ रहे हैं स्पोर्ट्स के और दो हजार चौबीस में मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी कहां पे होगा श्रीलंका में होगा दो हजार चौबीस में, में टी कप। और ये सारे के सारे मैंने आपको एक अलग फॉर्मेट में करवाए हुए तो कल कोई टेंशन नहीं लेना है ना मैंने आपको बता दिया इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछेगा फेस्टिवल और डांस से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं आज शाम को अपने लेके आएंगे जिस जिनका आगे आगे एग्जाम है वो आज शाम वाली क्लास लगाना मत भूलना सात बजे लगभग उसमें सारे करवा देंगे जो पिछले तीन दिनों में हुए हैं ठीक है आगे देखो अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप कहता है 2025 में कबड्डी वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट करेगा यूनाइटेड किंगडम ईरान पाकिस्तान इंडिया जिनका भी कल आ, आज आज एग्जाम है कल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट बढ़िया से एग्जाम करके ना घबराना नहीं एग्जाम बिल्कुल भी पे होगा? सबसे आंसर है हरदीप का सर यूके में फिर है, गोरा का आंसर यूके हरमन का आंसर आंसर है सर ए यस का यूनाइटेड किंगडम वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई पाकिस्तान में भी करवा रहे हैं कोई वर्ल्ड कप है राइट आंसर क्या है हमारा यूके है क्या हमारा यूनाइटेड किंगडम क्या आएगा यूनाइटेड किंगडम अब जल्दी जल्दी बताओ कि 2022 में किस कबड्डी प्लेयर को भारत में कौन से वार्ड से सम्मानित किया गया अर्जुन वार्ड से सम्मानित किया गया जल्दी से उस प्लेयर का नाम बता दो कबड्डी प्लेयर है अर्जुन वार्ड से इनको सम्मानित है? किया गया यूके की बात कर कैपिटल कौन सी है लंदन है जहां पे अभी हाल ही में कौन से गेम हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम है इसकी करेंसी कौन सी है पाउंड स्टर्लिंग और एक आपके क्वेश्चन आएगा सीएम और गवर्नर का किसका सीएम का और मैं बता दूं कि आप में से शायद आज वाले पेपर में आंसर अभी उत्तराखंड के जो सीएम बने, कौन से नंबर के बने ये क्वेश्चन छप जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा है या तो पुष्कर सिंह धामी में से आएगा या भगवंत मान पंजाब में से आएगा क्योंकि जहां जहां पांचों जगह चुनाव है वहां वहां से क्वेश्चन आए हैं पुष्कर सिंह धामी और भगवंत मान इन दोनों का पूछ लेंगे पेपर में कि कहां कहाँ के सीएम ये क्योंकि अभी तक जितने भी पूछे हैं है ना हाँ अभी तक जितने पूछे हैं वो छत्तीसगढ़ का पूछा है बिहार का पूछा है जो जो पूछे हैं जो जो अभी वर्तमान में क्या है नए बने हैं ठीक है तो राइट आंसर मार के आएगा यूनाइटेड किंगडम साक्षी कुमारी बिल्कुल सही आंसर चले आगे अगला क्वेश्चन है इन क्रिकेट विच कंट्री वोन देर सेकंड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड दो हजार दो हजार बाईस को किसने अपना दूसरा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीत लिया है जल्दी से आंसर बताइए फटाफट से क्या आएगा हाँ भगवंत मान सर पंजाब के पंद्रह नंबर के बने पक्का आएगा यहां भगवंत मान में से आएगा या पुष्कर सिंह धामी में से आएगा जो पेपर आजकल में देने वाले हैं ध्यान रखना ठीक है अब ये इंग्लैंड ने पाकिस्तान ने बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया ने किसने जीता है? जल्दी से बताइए फटाफट से इंग्लैंड आंसर दे रहे इंग्लैंड साक्षी कुमारी थी जसविंदर जी प्लेयर का नाम इंग्लैंड आ रहा इंग्लैंड इंग्लैंड और किस देश को रहा था इंग्लैंड ने पाकिस्तान को राके दी था किसने इंग्लैंड ने पाकिस्तान को और इसको होस्ट कौन सी कंट्री की थी इसको होस्ट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया और एक है ना ध्यान रखना अभी जो स्कीम लॉन्च की गई है कौन सी जो अभी स्कीम लॉन्च की गई जैसे मतलब जनवरी ये मान लो मार्च से लेकर और अब तक जितनी भी स्कीम में लॉन्च की गई वो स्कीम से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से राज्य ने कौन सी स्कीम लॉन्च की और मैंने स्कीम वाली दो कल है ना जो अपना यूट्यूब अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको दो दो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है दोनों की दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों की दोनों क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जहां से स्कीम से रिलेटेड आपके दो नंबर बनेंगे क्वेश्चन दो क्वेश्चन आएंगे स्कीम के और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे थे ये सेम कुरान थे इंग्लैंड और मैन ऑफ द मैच कौन थे जो इंग्लैंड के वर्तमान टेस्ट टीम के कैप्टन है, थे ढाई सौ रुपए वाला कोर्स का कोर्स है कितने सर पीडीएफ ही नहीं तो आप कॉल करके पता कर लेना जितनी भी क्लासें हुई है सारी की सारी पीडीएफ मैंने वहां पे व्यवस्थित रूप से डाल दिए ठीक है लोप्रीत जी फिर भी आपको डाउट लगे ऑफिस वाले नंबर पे आप कॉल करके मेरे से बात कर लेना है वह ठीक है ओके हाँ क्योंकि वहां पे जितने भी छह सात टॉपिक हुए वो सारे के सारे मैंने उसको एक तरह से व्यवस्थित रूप से पीडीएफ आपको भेज दी ओके हाँ उसमें अभी टॉपिक रहा है अपना इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटेड पर्सन क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पेपर में लगातार कुछ पूछे जा रहे हैं कल पूछा तीन चार को पूछा पंडित रविशंकर का उससे पहले उनके बारे में पूछा ठीक है चले आगे अगला क्वेश्चन है विनर ऑफ इंडिया ऑफ द दो हजार बाईस डूडल फॉर गूगल कंपिटिशन फॉर हिज इंस्पायरिंग डूडल टाइटल इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज यह अवार्ड किसको मिला है जल्दी से जल्दी बताइए हाँ टेलीग्राम में भी डाल दें पीडीएफ ओके जल्दी बताओ तो फटाफट से तो इतना सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और फ्री में इतना अच्छा कंटेंट देते हैं तो देखो आप नौकरी लग जाओगे ना उस दिन अलग ही खुशी मिले क्योंकि आप नौकरी लग जाओगे मेन टारगेट के आपको नौकरी लगाना फाइनली है ना और अभी अरोड़ा सर द्वारा गुरुकुल भी शुरू किया जा रहा है आपको बताया ना गुरुकुल के बारे में आप बहुत सारी वीडियो आ रही है गुरुकुल में तो जो पढ़ाई का सिस्टम होगा आप देखते रहना है ना राइट आंसर मार के आएगा डी आंसर आएगा श्लोक मुखर्जी किसको दिया गया है तो मुखर्जी को दिया गया डी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा बस हम आप, मैं तो आपसे इतना ही कहता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगे ना तो आप एक बार फटाफट से क्या करो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो वो काम आप आप करते नहीं हो आप तो कहते हम हम लग जाए नौकरी बाकी किसी को बताएंगे नहीं ये नहीं होना चाहिए ना एजुकेशन है जितना इसको आगे फैलाओगे उतना ही आपको ही बेनिफिट मिलेगा लो जी कहता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑन अफेयर ऑफ नवंबर अनाउंस द विनर ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दो हजार बाईस वो हैज अवार्डेड द मेजर ध्यानचंद खेरतन अवार्ड दो हजार बाईस कहता है इनमें से किस व्यक्ति को मेजर ध्यानचंद खेरतन अवार्ड मिला और पेपर में लिख लो यहां पे लिखो पेपर में छपेगा लिख लो पेपर में छपेगा जल्दी से जल्दी लिख लो फटाफट फड़ से क्योंकि ये डेम श्योर पेपर में आएगा कोई ऐसा चांस ही नहीं कि पेपर में ना आए

छह अगस्त को इसका नाम क्या रख दिया था मेजर ध्यानचंद खेरतन अवार्ड रख दिया छह अगस्त को और यह मिला विश्वनाथन आनंद को विश्वनाथन आनंद, आनंद को बिल्कुल टेनिस के प्लेयर हैं चले आगे अगला क्वेश्चन है वो विल बी कंफर्म द सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दो हजार बाईस एट द अपकमिंग फिफ्टी थर्ड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन नवंबर कहता है नवंबर दो हजार तेईस नवम्बर में जो अभी हाल ही में कौन सा त्रेपनवा नंबर का हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया में उसके अंदर सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है सत्यजीत रॉय बहुत अपने आप में एक बहुत जब बड़ा नाम रखते हैं सत्यजीत रॉय भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें किसको दिया गया भाई जल्दी बताइए फटाफट से और कौन सी कंट्री के हैं हाँ, जल्दी आंसर दो और साथ में कंट्री भी लिखोगी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये सी सी आंसर आ रहा है वेरी गुड बहुत बढ़िया ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अभी आपने एकदम बिल्कुल कंटिन्यू अच्छी तरीके से तैयारी करे बहुत ही बढ़िया भाई है? राइट आंसर बस क्या आगा कार्लो सोरा किसको दिया गया कार्लो सोरा को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको कार्ले सोरा कौन सी कंट्री के हैं जल्दी से जल्दी बताइए स्पेन के हैं कौन से देश के हैं स्पेन के कौन कौन सी है? स्पेंग, स्पेंग सी कंट्री क्या स्पेन स्पेन है मैड्रिड पे महात्मा गांधी का पूछा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम अटल बिहारी वाजपेयी का पंडित जवाहरलाल नेहरू का लाल बहादुर शास्त्री की एकता थर्टी फर्स्ट अक्टूबर पूछ सकता है ठीक है चले आगे ये देखो क्वेश्चन है द इंडियन पिस्टल टीम बैकडे सिल्वर मेडल इन दी फो फोर मिक्स फिफ्टी मीटर पिस्टल एस एच वन इवेंट एट द शूटिंग पेरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप दो हजार बाईस एट अल अन पंद्रह नवंबर दो हजार बाईस इस टीम में कौन कौन खिलाड़ी शामिल थे जल्दी से बताइए सत्रह अक्टूबर को मोदी जी का बर्थडे है जी बहुत गलत जा रहे हो सत्रह अक्टूबर नहीं एक्चुअल में सत्रह सितंबर है ठीक है सत्रह सितंबर है वो इसका आंसर बताइए क्या आंसर आएगा और मेरे सामने मेरे हिसाब से इसमें आपको दिक्कत आनी नीचे आंसर देते हुए बी आंसर है बी क्योंकि सारो सारे प्रमोद भगत के साथ ही जाएंगे क्योंकि प्रमोद भगत बहुत बड़ा नाम है, है? लेकिन प्रमोद भगत इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है अर्जुन क्या सर आज वर्ल्ड सोयल डे बनाते हैं वेरी गुड बहुत बड़ी है, भी? है? तो राइट आंसर हमारा तीन नंबर आएगा सिंहराज मनीष नरवाल एंड दीपेंद्र सिंह सी आंसर हमारा बिल्कुल है राइट आंसर सताइस सितंबर तो दो अक्टूबर तक स्वच्छ अभियान स्टार्ट किया मोदी जी हाँ वो सही है आपकी बात है ठीक है तो सी आंसर सही आया किस किस का सही हुआ अभी बी वाले अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए उनका तो बिल्कुल राइट सर मेनू भी पीडीएफ शो नहीं होंगी सब हो जाए देखो मैंने कहा मनप्रीत जी अगर कोई दिक्कत आती है आपको किसी भी प्रकार की आप ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसमें जितने भी हुआ है वो सारी सही चल रहे ठीक है ओके रिपोर्ट है कोई भी डाउट लगता है मैंने आपको आपको नंबर आपके पास ऑफिस वाले हैं आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो तो किसी भी प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त करनी है लगता है कोई पीडीएफ आपको नहीं मिली प्रॉपर वे टाइम पे ठीक है ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है कि प्रॉपर टाइम पे नहीं मिली चले आगे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कहता है इन शूटिंग वू वॉन द गोल्ड मेडल इन द टेंथ मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 इन साउथ कोरिया हैं और सारे के सारे वही क्वेश्चन आ रहे रिलेटेड तो कहीं ना कहीं चर्चा में है आपके सामने ऑप्शन है अर्जुन बबूता एंड अपूर्वी सौरभ चौधरी एंड महुली घोष अर्जुन बबूता एंड महुली घोष या सौरभ चौधरी एंड अपूर्वी चंदेला जल्दी से आंसर दीजिए क्या आंसर आएगा फटाफट से आंसर दो डी आंसर आ डी और जो बच्चे हमारे साथ लेट जुड़े हैं वो फटाफट से लाइक कर दो इसका जो राइट आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा अर्जुन बबूता एंड मेहुली घोष आएगा सी आंसर क्या होगा हमारा बिल्कुल है राइट आंसर होगा डेली तो तो वेट कर दे तो मॉर्निंग टाइम था देखो मैंने आपको बताया था मैं कभी क्लास मिस नहीं करता लेकिन ऐसी कंडीशन होगी थी पे क्लास लगा भी नहीं सकता था ठीक है तो आपको प्रीमियर मिल जाएगा ठीक है लेकिन आपसे वादा रहा क्लास मिस नहीं होगी ओके हम्म आंसर तो हमारा क्या आएगा अर्जुन बबूता एंड मेहोली गो सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन एयरगन चैंपियनशिप इन साउथ कोरिया इन नवंबर 2022 ये बताओ किसने जीता अभी जल्दी से जल्दी टेन मीटर राइफल में क्या जीता इन्होंने गोल्ड मेडल क्या जीता इन्होंने गोल्ड मेडल हां जी गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग जल्दी आंसर दो फटाफट से जल्दी जल्दी करो आंसर क्या आएगा और क्लास का टाइम बहुत धीरे धीरे जल्दी जल्दी अपने करते करते साढ़े पांच तक ले ही जाएंगे ठीक है क्योंकि इस टाइम कई बच्चों को काम हो जाता है कई कोचिंग के लिए आना स्टार्ट करते सर तीन दिसंबर एडवोकेट बर्थडे ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सेलिब्रेट किया युवराज सिंह जी अभी हाल ही में किया गया है तो राइट आंसर हमारा क्या आएगा शिवा आएगा हमारा क्या राइट आंसर आएगा शिवा right नरवाल को ये भारत की तरफ से अब पेपर में पूछ ले कि शिवा नरवाल सेंटली न्यूज रिलेटेड टू विस स्पोर्ट्स इनका स्पोर्ट्स कौन सा हो जाएगा इनका स्पोर्ट्स हो जाएगा टेन मीटर एयर पिस्टल कौन सा हो जाएगा टेन मीटर एयर पिस्टल डी आंसर हमारा बिल्कुल है राइट right आंसर है अगला कहता है एज पर द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन परफेक्ट्स 2022 रिपोर्ट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम इज वर्ल्ड इज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री कहता है विश्व में सबसे ज्यादा जिसके पास क्या हो जाएगा जनसंख्या हो जाएगी भारत ऐसा कब तक प्राप्त कर लेगा अचीवमेंट भारत ऐसा अचीवमेंट है? कब तक प्राप्त कर लेगा और बाहर तक ज्यादा टाइम नहीं रहा दो महीने बचे हैं जनवरी के लगभग आप ये मान लो जनवरी के अंदर अपने दुनिया में जनसंख्या में एक नंबर पे आ जाएंगे घबराने की आपको जरूरत है हाँ, जनसंख्या में एक नंबर पे आ रहे हैं अपने ये नहीं कि इन्वायरमेंट में एक नंबर पे आ रहे हैं हां जी सत्याकाल जी हां तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा दो हजार तेईस में अपने जनसंख्या में एक नंबर पे आ जाएंगे इस फिर लिखा जाएगा चाइना से पहले इंडिया चाइना फिर आ, हाँ इन, अपने क्या आ जाएंगे जनसंख्या में एक नंबर पे तो क्लैपिंग कर दीजिए भारत के लिए मोदी जी ने बोला भी है मोदी जी ने बोला कि भारत ने लॉकडाउन में कहीं प्रोग्रेस की या नहीं की है लेकिन भारत ने जनसंख्या में बहुत गजब का प्रोग्रेस किया है लॉकडाउन में और जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन अभी जो सेंसेक्स 2011 है उससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन है एसएससी के हर पारी में लगभग आ रहा है सेंसेक्स 2011 से भी और सेंसेक्स क्या तो मैंने एक बार आपको की शाम को वो पूरी क्लास देख लेना है मोदी जी बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बोल रहे हैं जनसंख्या में अपने क्या करेंगे टॉप करेंगे टॉप कर गए बस नजदीक ही पहुंच गए दो महीने और हाँ ऐतिहासिक को लंबा कोई ज्यादा दूर नहीं है जब भारत है न्यूज में आ जाएगा भारत जनसंख्या में एक नंबर पे पहुंचा हाँ चले आगे अगला क्वेश्चन है वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है विवेक जोशी को के सुब्रमण्यम को रमेश रेड्डी को अनुभव बजाज को जल्दी से जल्दी जी सिक्सटी सेवन के जी वाला क्वेश्चन हाईकोर्ट वाले एग्जाम से आया सी वीरपाल जी ये बताओ कि क्वेश्चन क्या था आप पूरा क्वेश्चन बताओगे ऑप्शन दोगे तो मैं आपको बता दूंगा ऐसे कोई आइडिया नहीं लगेगा

इंग्लैंड के मतलब जो अंग्रेज थे उनका नाम था ओस स्मिथ और भारत के देशमुख के वर्तमान गवर्नर की बात करें राजीव कुमार है कौन है सॉरी अभी वर्तमान में आरबी गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास कौन है शक्तिकांत कौन थे उर्जित पटेल कौन थे उर्जित पटेल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या आया है जल्दी बताओ सिक्सटी सेवन के जी नहीं था एक वीरपाल जी वो एक्चुअली में सिक्सटी सेवन नहीं था आपने उसको शायद पढ़ने में गलती कर दी मैं बताता हूं आपको वो था फिफ्टी सेवन के जी और उसका राइट आंसर था रवि दैया ठीक है सत्तावन किलोग्राम बारवर्ग में था रवि दैया इसमें बताओ इंडिया का रैंक कौन सा था इसका राइट आंसर क्या आएगा आठवा रें प्राप्त किया भारत में कौन सा आ आठवां जल्दी बताओ टॉप किसने किया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया है ओ, कौन से कंट्री रही जल्दी बताओ तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कहता वो हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर फॉर्म इंडिया टू गेट इलेक्टेड एज एथलीट कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन हाँ ओके सर मेरा सही होगा मैं रवि कुमार दैया देखो वीरपाल जी पेपर आप देने गए लेकिन आंसर आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया कि क्वेश्चन क्योंकि मैं हर दिन अपडेट करता हूँ क्वेश्चन कल पेपर नहीं था सीजीएल का कोई भी चार तारीख को आज सीजीएल का पेपर है पेपर खत्म होगा बजे बजे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना पेपर में कौन से आए थे क्यों क्योंकि बहुत अपडेट होकर चलना पड़ता है आज के टाइम में है ना हाँ क्योंकि सारी चीजें लेके आनी पड़ती है वो तो ऑफलाइन क्लास होती है नहीं तो आपको सोल्यूशन उसी टाइम करवा दे एस एस सी वाला पेपर है ठीक है तो ये बताओ क्या और ये लिख लेना पेपर में छपेगा यहाँ पे सीधा लिख लेना पेपर में छप जाएगा ये तो हाँ लिख लेना पेपर में छपेगा अभी तो आपको केबीसी वाले क्वेश्चन करवाए नहीं केबीसी वाला तो आपको मेरे को लगता है अलग से एपिसोड शुरू करना पड़ेगा एक ना पता केबीसी में कल क्या क्वेश्चन दो तीन दिन पहले क्या क्वेश्चन पूछा है बोलता आई टू यू टू उसने बोला आई का मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया युए की, युए की ने भाग लिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भाग लिया बोलता दूसरे आई का क्या मतलब है? है हाँ उसने पूछा दूसरे आई का मतलब क्या आपको मैंने बताया था ना कि आई टू यू टू बन गया है और ये क्वेश्चन कौन बनाया करोड़पति में पूछ लिया गया भाई बोलो चंता शर्त कमल आप बता दो दूसरे आई का मतलब क्या है देखो सुनील कुमार जी ने हमारे बता दिया वास्तव में बोलो सर इजराइल है कविता ने बता दिया ने बता बता दिया दिया इजराइल इजराइल तो बात है हैं और सिंपल आंसर था, था और उसने बोला कि मेरे को हेल्पलाइन चाहिए हेल्पलाइन चाहिए हमने कहा हेल्पलाइन क्या बताया अब हेल्पलाइन चाहिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है इसमें भी हेल्पलाइन की जरूरत पड़ गई चलो तो जाने दो तो कोई बात नहीं इधर देखो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है आलालपुर मलेशिया में कहां पे लमपुर है मलेशिया हमारा बिल्कुल आठ जनवरी एग्जाम है, है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आठ जनवरी बहुत असर पेपर आज ही आठ प्लीज रेगुलर क्लास ला लियो कोई टेंशन नहीं लेनी रेगुलर चले क्लास घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आपको आगे देखो इंडिया स्पेस रेगुलर रेगुलेटरी इंडियन इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर ऑन 16 नवंबर दो हजार बाईस ऑथोराइज द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट बोलता प्राइवेट सेक्टर रॉकेट का किसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया लिख लो पेपर में आएगा कलाम टू आई सेट आई सेट वी विक्रम एस इंडिया सेट वन जल्दी बताओ तो आंसर क्या आएगा फटाफट से हैं और जो बच्चे अभी जुड़े हैं सर अनवर इब्राहिम न्यू पीएम बन गए मलेशिया के गुरप्रीत सिंह जी बहुत बड़े शानदार भाई हाँ सी आंसर आ रहा है सी सी रीना सिंह ने कहा सर सी आएगा देखते हैं जी क्या आएगा जल्दी बताइए फटाफट से हाँ सी आंसर के साथ आप में से लगभग जा रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस ए आई सई दठारह नू है प्लीज सर मैराथन लगा दो जी देखो मैराथन लगा तो दी है पर बताओ आप कब अठारह को है क्या चलो उससे पहले आपकी बात को मैं नोट कर लेता हूँ एक और लगा दे मैराथन देखो अपने अपने मैराथन अपने छोटे छोटे से लगाते हैं छह सात घंटे की है ना हाँ मेरा होती है कम से कम बारह घंटे क्लास हो सर मेनू चाबी कदों मिलूगी चलो पूछते हैं भाई आपको चाबी कब मिले कौन सी चाबी चाहिए आपको बताओ ये इसका आंसर दे दो आप इसका आंसर फटाफट फड़ से दे दो चाबी भी मिल जाएगी थोड़ा वेट करो आपको कल तक दिला देते हैं ठीक है हाँ जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा पता है चाबी क्या होती है चाबी उसको मिलती है जो लंबी जो लंबी क्लासें होती है ना उसके अंदर लगातार क्लासें लगाता है देखो उस दिन याद है आपको यश को मिली थी कितने बंदों मिली थी, को मिली थी पर्णवीर को मिली है ना हा तो जितनी लंबी क्लासें होती है ना उसमें वो क्या होता है यू, यू यूट्यूब वाच करता रहता है और वहां से मौका मिलता है अपने को तो राइट आंसर मार क्या आएगा इसका एक नंबर राइट आंसर होगा क्या होगा मनु बाखर ईशा सिंह एंड शिखा नारवाल इन तीनों को ये अवार्ड मिला एक नंबर सही आंसर होगा तो मेरे को तो पीन पे किसी का भी दिखाई नहीं दे रहा है वास्तव में क्या ही बताएं वाक्य में है अपने लिए क्लैपिंग करो सारे क्लैपिंग कर लो अपने लिए चले इसको पहले तो ये लिख लो छपेगा पेपर में और फिर अपने इसका देखते हैं आंसर क्या आएगा लिख लो छपेगा पेपर में क्वेश्चन है फायरिंग बीन अनवील्ड एज द मस्कट फॉर द 2024 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक द 2024 ओलंपिक एंड पैरोल्पिक विल बी हेल्ड इन विच स्टेट विच कंट्री आएगा विच कंट्री कौन से देश में आयोजित होगा जल्दी बताइए हंड्रेड परसेंट पेपर में आएगा मैं कहता हूं दुनिया की ताकत इसको रोकने वाली नहीं है जल्दी बताओ फोटाफट आंसर क्या आएगा और ये तो डेफिनेटली डेम शोर छपेगा दो हजार पेरिस क्या आएगा दो हजार चौबीस में कहा पेरिस में होंगे तो दो हजार अठाईस में कहां पे होंगे ये भी देख लेते हैं लॉस एंजिलस यूएसए में और दो हजार बत्तीस में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में

क्या नाम था विच वॉज हेड फ्रॉम नवंबर दो हजार बाईस इन नॉर्थ वेस्ट एक भारत की तरफ से एक भाग लिया किस अभ्यास में भाग लिया में हिंद शक्ति वन में सी स्वर टू में या ओशियन करंट थ्री में जल्दी बताओ आंसर जल्दी बताओ फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी फटाफट से सबसे पहला तो गोरा गोरा रे एक आंसर सी नंबर उपेंद्र का एक नंबर कमलजीत का आंसर सी कविता का आंसर एक नंबर बिंदु का सी गुरविंदर कौर का सभी का राइट आंसर सही है सी स्वर टू क्या है सी सीड टू हमारा राइट आंसर होगा तीन नंबर क्या होगा तीन नंबर तीन नंबर हमारा बिल्कुल है हंड्रेड परसेंट राइट आंसर चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कहता इन शूटिंग इंडिया कैंपेन एट द एशियन एयरगन चैंपियनशिप इन साउथ कोरिया गोल्ड मेडल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द टेन मीटर जूनियर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट कहता है जूनियर in के अंदर किसने जीता था टेन मीटर क्योंकि आपको मैंने बता दिया था उसकी मैराथन में अपने बात की थी कि अट्ठाईस में से पच्चीस गोल्ड किसने जीते थे भारत ने जीते थे किसने जीते बार्थ ने लेकिन आपको बताना है कि जूनियर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में किसने मेडल जीते जल्दी बताओ फटाफट से मनु बाकर और समरत राणा ने अर्जुन बबूता एंड मनु बाकर ने रिदम सांगवान एंड विजयवीर सिद्धू ने या मनु बाकर एंड अर्जुन बबूता ने जल्दी करो आंसर क्या आएगा अर्जुन एंड मनु ने जीता है सबसे पहला आंसर है जसप्रीत का गुरविंदर ने कहा सर एक नंबर होगा आकाशदीप ने हो ने कहा कहा सर सर सी होगा कविता अर्जुन और मन्नू होगा चलो देखते हैं कौन होगा अर्जुन होगा मन्नू होगा मन्नू होगा समर्थ होगा कौन होगा यह तो श्योर है मेरे को लगता है मन्नू तो होगा ही होगा पक्का होगा मन्नू बाग कर तो चलो भाई मन्नू होगा तो यह तो कट गया तो मन्नू के साथ कौन होगा समर्थ राणा होगा कौन होगा एक नंबर हमारा बिल्कुल है राइट आंसर होगा क्या होगा एक नंबर हमारा बिल्कुल है राइट right आंसर एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं चलो अभी अभी हाल ही का क्वेश्चन है कहता है, रोजर फेडर ने अभी हाल ही में संपन्न टे, टेनिस प्रतियोगिता में अपना आठवां विमल्टन का खिताब जीता है उन्होंने ये खिताब जीतते हुए किसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है इसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया ऑप्शन थे उसमें केबीसी का क्वेश्चन था ऑप्शन था पीर संप्रास एक था हमारे पास रोजर फेडर तो था ही था इसका तो आंसर ओइन था राफेल नडाल एक था नोवाक जोकोविक एक था एंडी मरे क्वेश्चन दोबारा देखो अभी हाल ही में रोजर फेडर ने दुनिया में एकमात्र ऐसे प्लेयर बन गए हैं रोजर फेडर जिन्होंने आठ लगातार आठ जीत लिए हैं इन्होंने पिछला जो सात विमल्टन खिताब जो हाईएस्ट नंबर का था उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था यह के सिंह पूछा क्वेश्चन है ये राइट आंसर क्या था हमारा पीट सेम्प्रास थे यूएसए के उनका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया था क्योंकि इनसे पहले पीट सेम्प्रास ने मैच जीते थे बिंदु रानी शर्मा का आंसर बिल्कुल सही आया है कहता वो अमंग द फॉलोइंग द यंगेस्ट ईयर एंड एटीपी वर्ल्ड नंबर वन इन नवंबर 2022 और ये क्वेश्चन ऑलरेडी तीन पेपरों में आ चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी तीन पेपरों में आ चुका है और फिर लिख लेना छपेगा वही फिर लिखना पेपर में छपेगा डेविड गोफिन जैक शोक पाबेलो केरियानो बुस्टा या कार्लोस एल्कर जल्दी आंसर दीजिए क्या आएगा उपेंद्र जी कह रहे गुड मॉर्निंग सर बिल्कुल जी गुड मॉर्निंग बहुत लेट जुड़ते हो कैसे काम चलेगा हाँ ये ऑलरेडी पता नहीं कितने पेपरों में तो आ चुका है अभी आईबीएस पीओ में आया था ये और साथ में बता दीजिए कहां से है बिल्कुल डी डी वेरी गुड बहुत बढ़िया सभी बच्चों का आंसर क्या है वेरी गुड बहुत ही बढ़िया सभी का क्या है राइट right आंसर है डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा और ये आई थिंक कहां के थे स्पेन के थे क्योंकि स्पेन से राफल नडाल बिलोंग करते हैं और ये भी कहां से स्पेन से तो डी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कार्लोस एलक्राज क्या होगा कार्लोस एलक्राज हमारा बिल्कुल है राइट आंसर होगा स्पेन से है ना ये अगस्त बैच वालों का टेस्ट बैच कब तक स्टार्ट हो जाए बिल्कुल बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा एक बार आप है ना कंफर्म कर लीजिए कॉल करके भी पूछ सकते हैं ठीक है गगनदीप जी गगनदीप सिंह जी बहुत लेट जुड़े हो कैसे काम चलेगा बताओ एक घंटे क्लास निकल गई आप इतने लेट जुड़े हो चलो एक और बताओ एक नाम और चर्चा में चल रहा है वर्तमान में रूड कैप्सर रूड कैस्पर ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं रूड कैस्पर बिल्कुल कल नहीं अब तो मॉर्निंग क्लास ये बोलो कि हमेशा ही लगे कल नहीं है अगर कोई अगर बीच में नहीं भी लगेगी तो आपको उसका प्रीमियर मिल जाएगा लेकिन क्लास नहीं रुकेगी ठीक है वादा हो गया आपसे प्रॉमिस हो गया है हाँ पोलैंड के हैं पोलैंड के हैं नॉर्वे के सोच लो एक बार जल्दी नॉर्वे है पोलैंड है पोलैंड दे रहे हो गई सारे ही चलो फिर सारे सही दे रहे हो इसका मतलब सारे तो गलत कभी हो ही नहीं सकते हैं पोलैंड राइट आंसर होगा क्या होगा पोलैंड चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट देखो ये रहा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू लॉन्च इट्स थर्ड हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट आनंद ऑन बोर्ड इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फ्रॉम द हरिकोटा स्पेसोर्स ऑन ट्वेंटी सिक्स तो नवंबर दो हजार बाईस बताओ क्या आएगा क्या नाम था पिक्सल था अग्निकुल कॉस्मोस था टीम इंडस था या बेलाट्रिक्स एरोस्पेस था जल्दी बताइए शाम नू सर क्लास होगी बिल्कुल होगी अच्छा सर वीडियो 1.5 करके थोड़े तो नाल ही आगे तो गग... गगनदीप जी जल्दी उठ जाते हैं उठे लेट क्यों थे बताओ उठे लेट हो उठे लेट हो अब गए तो सर बराबर ही आ गए तो पहले बराबर ही चलते हैं ना चलो तो कोई बात नहीं कल से बराबर जुड़ना है ठीक है हाँ क्योंकि लाइव का मजा लाइव होता है यार लाइव में बहुत आनंद आता है पिक्सल आएगा क्या पिक्सल आएगा पिक्सल आएगा आंसर क्या आंसर आएगा पिक्सल अब कहीं कहेंगे सर हमारे को डाउट है देखते हैं कितनों को डाउट होता है अच्छा जिम करे कल से टाइम अब है ना बहुत जल्द देखो दो तीन दिन के अंदर टाइम को साढ़े पांच पे लेके छोड़ेंगे अपने ठीक है हाँ बस थोड़ा सा दो तीन दिन सेट थोड़ा शेड्यूल बन जाए उसके बाद साढ़े पांच ही कर देंगे इसको टाइम क्यों कई बच्चों को दिक्कत आती कई काम पे और इस टाइप से ना तो टाइम इसका बहुत जल्दी अपने सेट कर देंगे आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कहता है साउथ वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज जिसका नाम था शत्रुनाश इन विच स्टेट इन नवंबर 2022 कहता है कौन से नवंबर 2022 में ये उद्धव जिसका नाम था शत्रुनाश कहां पे हुआ राजस्थान मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब जल्दी बताओ तो क्या आंसर आएगा फटाफट से आंसर दो और जो बच्चे अभी जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से कहा राजस्थान होगा देखते क्या होगा अभी हरदीप ने कहा राजस्थान गुरप्रीत का आंसर एक नंबर जसप्रीत का राजस्थान कुलप्रीत और कुलवंत का एक नंबर दिलजीत को एक नंबर आकाशदीप का एक नंबर सारे भी एक राजस्थान के साथ ही जा रहे हो इटमिन राजस्थान क्या हमारा बिल्कुल सही आंसर है राजस्थान के हमारा सही आंसर है और ये राजस्थान में काम राजस्थान में संपन्न हुआ अभी हाल ही में गगन तो गगन यहां पे पंजाब में तो कौन सा हुआ था गगन स्ट्राइक है। कौन सा हुआ है गगन स्ट्राइक है ये गंगानगर में हुआ है हाँ चले आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन कहता है शेर बहादुर देवबा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द कंजेक्टिव सेवन टाइम कहता है सातवीं ही बार शेर बहादुर देवा कौन से देश के प्रधानमंत्री बने श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल भूटान जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा नेपाल आ रहा है नेपाल नेपाल वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत शानदार ही बढ़िया देखो नेपाल के बने कहां के नेपाल के क्योंकि श्रीलंका के तो आपको पता है दिनेश गुणवर्धना है ही बांग्लादेश के कौन है शेख हसीना और भूटान में क्या होता है पीएम नहीं होता एक्चुअल में वहां पे प्रेजिडेंट और किंग होता है वहां पे क्या होता है राजा होता है क्या होता है वहां पे राजा होता है उस राजा का नाम क्या है सिंपल सा नाम है भूटान के राजा का जिंगमे खेसर नाम क्या वांग चुकर भूटान के किंग कौन है जिंग में खेसर नाम वांग चुक ये भूटान के क्या राज्य है सर क्लास बजे तक लगी मेरा नौ बजे एम का एग्जाम भी है चलो गुड लक भी बहुत सीजियल था भी आज ही है दो एग्जाम एक साथ कैसे करेंगे हन इस नानी ऐसा जान पे कोई तरस नहीं करता इस नैनी सी जान पे कोई तरस नहीं करता कोई किसी पे कोई तरस नहीं करता भैया क्या ही क्या ही क्या बोल रहे हैं अपने को खुद को आप, खुद को खुद खुद आप आगे बढ़ना पड़ेगा चलो दोनों एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सीजीएल का एग्जाम होते ही आप एक काम करना क्वेश्चन भेज देना हालांकि क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन आप भेज दोगे तो थोड़ा और कंफर्म कर लेंगे ठीक है और आपका सीजीएल का एग्जाम कौन सी शिफ्ट में ये भी लिख देना चले आगे और आज के लिए चलो अपने चलते हैं आज के लिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन कहता है इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड इन ए ट्रेनिंग एक्सरसाइज विद इंडोनेशिया स्पेशल फोर्स फर्स्ट ऑफ नवंबर दो हजार बाईस है ना तो क्या नाम था मित्र शक्ति था हैंड इन हैंड था साइक्लोन था या गरुड़ शक्ति जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए अकेले ही अकेले ही जाओगे है ना आ जल्दी करो आंसर क्या आएगा

क्योंकि बैच लेना एक ब, आ, कोई बड़ी बात नहीं होती है बैच लेने के बाद लगातार आपने क्लास से लगाई तो आपको फायदा मिलना पक्का शोर था ओके हाँ ठीक है फिर आज की क्लास को अपने अब यहीं पे विराम देंगे आपके दिमाग में कोई भी डाउट है कोई क्वेश्चन में कुछ भी तो आप एक मिनट का टाइम में जल्दी से पूछ लीजिए है ना बहुत जल्दी अपने क्लास का टाइम साढ़े पांच बजे आपके सामने लेके आ जाएंगे बस क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है कोई टाइम क्या होता है कोई चीज में टाइम लगता है अभी साढ़े छह उसके बाद सवा छ फिर छह फिर पांच पैंतालीस ऐसे ऐसे करते करते साढ़े पांच तक पहुंच जाएंगे ठीक है हाँ सर जी किसी दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट और डैम भी करवा गुरु गर, गर्जीत सिंह जी देखो अभी करवा देते हैं यार न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या ही बताया वाह लो लिख लो अभी लिख लो भारत में सात ही न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने हैं सात नोट करो एक है केगा कर्नाटक में लिख लो केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है कर्नाटक में साथ ही तो है आपने बोल दिया तो अपने आज ही करवा देते हैं कल पे क्यों लेके जाए इसको ठीक है एक लिखो 2013 में भारत का सबसे नवीनतम बना हुआ है कुलम कौन सा कुलम ये लिख लो रशिया की सहायता से 2013 में और इसकी जो वर्तमान क्षमता है वो दो हजार मेगावाट है और ये कहां है कुंदकुल की मतलब ये बात हो रही तमिलनाडु की ठीक है तीसरा लिख लो पहले इसका नाम था कल्पक्कम मद्रास था ये लिख लेना कल्पक्कम कौन सा कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है और ये लिख लो आप कहां पे है ये भी तमिलनाडु में कहां है तमिलनाडु एक लिख लो तारापुर जो भारत का सबसे पुराना 1969 में बना तारापुर 1969 में और ये महाराष्ट्र में है पांच लिख लो काकरपार गुजरात में है सात ही अपने पास कितने हैं? सात काकरपार लिख लो गुजरात में ठीक है एक लिख लो छठा लो नरोरा यूपी में है कहां पे यूपी में और सातवां आप लिख लो भारत में सात ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है और है जिसको अपने बोलते हैं रावत बाटा या राजस्थान एटोमिक या फिर है? रास्ता ने एटॉमिक नोट कर लो है सर चाय पी लो कोई बात चाय पी लेंगे एक बार किन्ों ने पूछा था उनका नाम क्या था ऊपर करना जिन्होंने कहा न्यूक्लियर पावर प्लांट करा दो करना गर... दी... गर... गर्ज दीप सिंह जी ये तो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लिख लो और अपने ऐसे ही कभी डैम करवा दें ठीक है नोट कर लो जल्दी फटाफट से हाँ साथ ही है इंडिया में नीचे करना इंडिया में कितना स्क्रीन शॉट कर दो लेना बिल्कुल ले लो लो फटाफट से भी करवा दें टेंशन ना ठीक है एक बार ये लिख लो साथ ही बस आपने कुछ नहीं करना देखो यार मेरा बताया मेरा और मैं सर के साथ मिलकर और पूरी टीम अब एक ही टारगेट है कि यार आपको वो चीज मिलनी चाहिए जो एग्जाम के अंदर आती है मेरा टारगेट कभी भी ये नहीं मैं करवाने को आपको है ना जीके के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो करवाते हैं जिसका लॉजिक नहीं है क्या लॉजिक नहीं है क्योंकि आज के टाइम में आपको चाहिए स्मार्ट स्टडी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन एक दिन में कम से कम जीके के आप ये मान लो कि कम से कम एक दिन में तीस क्वेश्चन तैयार होते हैं लास्ट में जाके और उसमें से दस क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जो काम के होते हैं है ना अब करवाने को मैं करवाता रहू जी ये हो गया वो हो गया कोई आधार नहीं है क्या कोई आधार नहीं सर शाम की क्लास की टाइमिंग सात बजे रहेगा कितने बजे रहेगा सात बजे शुरू होगी कब तक चलेगी ये मेरे को भी आइडिया नहीं है शुरू कर देंगे सात बजे दो घंटे चलेगी डेढ़ घंटा चलेगी ये मैं खुद भी नहीं बता पाऊंगा है ना कम से कम मान के चलना डेढ़ घंटे तो चलेगी चलेगी हो सकता है दो घंटे तक चली जाए ओके बस मैं इतने कहूंगा अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को एक बार शेयर जरूर किया करो और सारे बच्चों को बताया करो कि वहां पे इतना अच्छा मैटर करवाते हैं इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं बस आपसे ये इतना ही कुछ मांगते हैं और कुछ सर पी स्टेट बैच कितने बजे स्टार्ट होगा दस दस बजे का टाइमिंग उनका, है उनका ठीक है मैराथन क्लास कब लगी देखो मैराथन वैसे तो लगती रहती है हाँ कोई टाइम नहीं है लेकिन आपको बता देंगे कब लगी एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत बता देंगे जब आपका एग्जाम होगा उसे चार दिन पहले लगा देंगे ठीक है ओके okay, रिपोर्ट है अभी भी कोई किसी को डाउट देखो एक पहली बात है डाउट नहीं लेके जाना दिमाग में क्योंकि डाउट होगा ना फिर आपका दिमाग है काम नहीं करेगा हम्म स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से कोई डाउट नहीं है फिर आपका चलो जी कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास को अपने एम पे विराम देते हैं मिलते हैं शाम को सात बजे और फिर कल सुबह मिलेंगे कल सुबह कुछ नया कुछ हटके एक, एक, एक नई चीज शुरू करेंगे वो आपको कल पता लगेगा कि क्या शुरू करेंगे ठीक है ओके थैंक यू गुड लक